हेलो एवरीबॉडी, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और मेरा नाम नीरू है और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट पावर ऑफ फाइव। टायर टू के लिए आपकी इंग्लिश को सुधारने के लिए पिनाकल की ओर से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। और ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसका नाम है पावर ऑफ फाइव। पावर ऑफ फाइव, पिनाकल की ओर से कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। पिनाकल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आप सबसे अच्छा स्कोर ला सकें, आप जॉब के करीब से करीब पहुंच जाएं। और इसके लिए हमारी ये प्रेजेंटेशन है पावर ऑफ फाइव। जॉब अश्योर पार्ट टू प्रोग्राम चल रहा है हमारा, और ये जो जॉब अश्योर पार्ट टू प्रोग्राम है इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो टायर टू में अराउंड 350 प्लस स्कोर करें। आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है कि आपको 350 प्लस स्कोर करने की जरूरत है। जैसे जैसे आपके मार्क्स इससे कम होते जाएंगे आप जॉब से उतने ही ज्यादा दूर होते जाएंगे। जॉब अश्योर पार्ट टू जो है वो हमारा एक डे वाइज प्रोग्राम है, डे वाइज शेड्यूल है फॉर एसएससी सीजीएल टीयर टू। इसमें आपको हर रोज क्या पढ़ना है वो हम आपको पूरा प्लान्ड और सिस्टमैटिक वे से बताते हैं, और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट भी कंडक्ट होता है ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें। इस बार का जो टायर टू है ये एक्सट्रीमली डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि जो हमारा टायर वन था द पेपर वॉज एक्सट्रीमली सिंपल। सारी जो जीके थी वो स्टैटिक जीके से आई थी, बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इसलिए जो एवरेज या बिलो एवरेज कुछ स्टूडेंट्स भी थे या जिन्होंने सिर्फ 2-3 महीने ही मेहनत की वो सभी लोग क्लियर करेंगे। वो सभी लोग क्लियर करेंगे तो एसएससी को एक स्लाइटली डिफिकल्ट पेपर सेट करने की जरूरत पड़ेगी टीयर टू में, ताकि वो एक्चुअली टैलेंटेड लोगों को छाट सकें। ठीक है, आपका टायर वन क्लियर हो गया है, लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती। अब आपको टीयर टू भी क्लियर करना है, और उसके बाद फिर फाइनली इसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होगा वो भी क्लियर होना है, तभी बात बनेगी। लेकिन फिलहाल हम फोकस करेंगे टीयर टू पर, क्योंकि अब वो ही आगे आ रहा है। जैसे जैसे चीजें आएंगी आप उन पर फोकस कीजिए, बहुत दूर की मत सोचिए। तो राइट नाउ लेट अस थिंक अबाउट टीयर टू, और इस प्रेजेंटेशन में मैं बात करूंगी इंग्लिश पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ फाइव, पावर ऑफ फाइव ये हमारे 5 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के लिए। क्लोज टेस्ट जो कि 25 से 30 नंबर का आता है, पैरा जंबल्स जो 20 नंबर के आते हैं, स्पॉट द एरर एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये कह सकती हूं कि अगर आप स्पॉट द एरर कर देते हैं तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आप कर देते हैं। ये बिल्कुल ग्रामर से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं। स्पॉट द एरर में आपको यह बताना होता है कि कमी कहां है सेंटेंस में, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जो सेंटेंस को बेटर बनाते हैं, आपको वो करना होता है। ये टोटल आते हैं हमारे 40 मार्क्स के। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव 20 मार्क्स का, और नरेशन 27 मार्क्स के। अगर आप इसको पूरे को देखें तो क्लोज टेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स, पैरा जंबल्स इज 20 मार्क्स, उसके बाद जो है स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये 40 मार्क्स का है, एक्टिव पैसिव 20 के, और नरेशन 27 मार्क्स का। तो टोटल अराउंड 137 मार्क्स टोटल इन टॉपिक्स से, ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं 137 मार्क्स का आता है। 137 यानी कि आप 130 के आसपास, 125 टू 130 के आसपास यही स्कोर कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये लगता है कि 130 एक बहुत अच्छा स्कोर है। वो मुझे बताते हैं, मेल्स जो आती हैं कि मैम 130 आ रहा है मुझे लगता है अच्छा है। अच्छा तो नहीं है, डेफिनेटली अच्छा नहीं है, लेकिन जिसको आप 200 में से लाने की कोशिश कर रहे हैं, 200 मार्क्स में से आप 130 प्लस को एक अच्छा स्कोर समझ रहे हैं, 130 को अच्छा स्कोर समझ रहे हैं, वो स्कोर आपको केवल इन 5 टॉपिक्स से मिल सकता है। क्लोज टेस्ट से, पैरा जंबल से, स्पॉट द एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, एक्टिव पैसिव से, और नरेशन से। और इन टॉपिक्स पर इंप्रूवमेंट करने के लिए, जैसे अगर हम फोकस करें क्लोज टेस्ट पर इंप्रूवमेंट करने के लिए, आपको थोड़ी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, थोड़ी वोकैबुलरी की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, फ्रेजल वर्ब्स की नॉलेज होनी चाहिए। सिमिलरली पैरा जंबल्स की भी अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कुछ हद तक आपका लॉजिक और रीजनिंग भी काम आती है। लॉजिक लगाइए, रीजनिंग, और सोचिए कि कौन सा वर्ड किसके साथ जाता है। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो ये टॉपिक्स करने आपके लिए आसान हो जाते हैं। ये टॉपिक्स आप केवल तब इंप्रूव कर सकते हैं जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है।
केवल वीडियोस देख लेने से ये टॉपिक इंप्रूव नहीं होते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये टॉपिक्स इंप्रूव नहीं होते। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैसिव और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस चाहिए। स्पॉट द एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको ग्रामर की नॉलेज और एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये तो बिल्कुल की है टू क्लियर टायर टू। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इन्हीं टॉपिक्स को हमने कहा है पावर ऑफ। इन टॉपिक्स में आप एक अच्छा स्कोर ला सकें इसके लिए आपको भी एफर्ट्स करने होंगे और हमें भी एफर्ट्स करने होंगे। हम दोनों को ही पूरी तरह से कोशिश करनी होगी कि हम इनमें अच्छा स्कोर कर सकें, और इसी के तहत जॉब अश्योर में हमारी इन टॉपिक्स के ऊपर इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई जा रही हैं ताकि आप इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकें। व्हाट आर वी गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट इन जॉब अश्योर? जॉब अश्योर जो टायर टू के लिए हमारा जॉब अश्योर है, उसमें अब हम किस चीज पर फोकस करेंगे ताकि इन टॉपिक्स में जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं आप एक अच्छा स्कोर ला सकें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 अक्टूबर से लेकर फ्रॉम 12th ऑफ अक्टूबर टू द लास्ट ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के अंत तक, ठीक है, अक्टूबर के अंत तक, 12 अक्टूबर से लेकर 31st अक्टूबर तक हमारा फोकस रहेगा ऑन वीडियो मेकिंग एंड यूनिट टेस्ट्स। वीडियो मेकिंग एंड यूनिट टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देते हैं, पेपर्स देते हैं, और उसके बाद उनको जब वो इवैल्यूएशन करते हैं वो पाते हैं कि मेरा स्पॉट द एरर कमजोर है, मेरा पैरा जंबल्स कमजोर है, मेरा क्लोज टेस्ट कमजोर है। अब आपकी जो कमजोरी है आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कीजिए, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए पिनाकल क्या कर रहा है, हम आपके लिए 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालेंगे इन पांचों टॉपिक्स पर ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पर, जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल है उसके ऊपर डालेंगे, और उसके बाद आप उन प्रैक्टिस टेस्ट को कीजिए। यानी कि ये जो टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं, हर एक टॉपिक पर 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले जाएंगे, यानी कि 500 × 50 टोटल 2500 क्वेश्चंस डाले जाएंगे कवरिंग थ्रू यूनिट टेस्ट्स ऑन ऑनलाइन पोर्टल। देखिए, एक आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव ऑल राउंड प्रिपरेशन होने की जरूरत है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा, सिर्फ पुराने साल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स करने से नहीं चलेगा, सिर्फ रूल्स पढ़ने से नहीं चलेगा। आपको सारी चीजें चाहिए, आपको पहले रूल्स भी चाहिए पीडीएफ में, उसके बाद आपको उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी चाहिए, आपको टेस्ट भी चाहिए, आपको वीडियोज भी चाहिए। और जब आपको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी ठीक है, तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कीजिए, मुश्किल से मुश्किल लेवल का कीजिए, आसान से आसान कीजिए, और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करेंगे कोई स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, कोई प्लानिंग नहीं बनेगी, और एक दिशाहीन आपकी पूरी तैयारी चलेगी। और ये तैयारी आप एक साल चला लो, आप दो साल चला लो, आप तीन साल चला लो, क्योंकि दिशाहीन जा रही हैं चीजें। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले जाएंगे हर एक टॉपिक पर। 500 इज अ ह्यूज नंबर। पिनाकल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, आप भी कोशिश कीजिए और इनको कीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो टेस्ट पोर्टल है उस पर न सिर्फ आपके टेस्ट्स होंगे, ठीक है, उस पर आपका पीडीएफ भी होगा, उसकी एक्सप्लेनेशंस भी होंगी। तो पूरी तरह से अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, टेस्ट दीजिए, और उसके बाद देखिए कि मेरी कहां कौन सी कमी रह गई, वो कौन सा टॉपिक है जिसके रूल्स मुझे अभी ठीक से नहीं आते हैं, अच्छा ये प्रोनाउंस का है, मैम ने ऐसे बताया, ये मुझे पता नहीं था। इन सारी चीजों को कीजिए, और इन जो चीजें आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आ रही है उनको रिपीटेडली प्रैक्टिस कीजिए। जब 500 क्वेश्चंस किए जाएंगे एक टॉपिक पर, तो कोई भी ऐसा रह नहीं जाएगा पॉइंट जो कि बाहर छूट जाएगा। मैसिव एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होगी, और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो इसके लिए वीडियो लेक्चर्स भी हैं। इसके लिए वीडियो लेक्चर्स भी हैं, काफी सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने एक्टिव पैसिव के 10 वीडियोस की एक सीरीज डाली है, जिसमें हर तरह के रूल आपके लिए कवर किए गए हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर कि सब्जेक्ट क्या है से लेकर सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो एसएससी में आए हैं वो कवर अप किए गए हैं। नरेशन के 10 वीडियोस बनाए गए हैं आपके लिए, उसमें भी बिल्कुल डायरेक्ट स्पीच क्या है वहां से लेकर हाईएस्ट लेवल तक आपके लिए सब कुछ कवर अप किया गया है। स्पॉट द एरर की सीरीज हमारी हो चुकी है, और अब बिटवीन 12th ऑफ अक्टूबर एंड 31st ऑफ अक्टूबर क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल की सीरीज बनेंगी, और इस पर मैं 20-20 वीडियोस बनाऊंगी। जैसे क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल्स में कोई भी ऐसा रह नहीं जाएगा जो आप कहेंगे कि ये बाहर से आ गया। और एसएससी की खास बात यह है कि बहुत बार वो अपने क्वेश्चंस रिपीट करती हैं, लेकिन ये केवल उन स्टूडेंट्स को पता चलता है जिन्होंने मैसिव एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की हो कि अच्छा ये मैंने प्रैक्टिस किया था, ये एसएससी ने रिपीट कर दिया है।
तो एक ऑल राउंड हमारी प्रिपरेशन होने की जरूरत है, वेरी वेरी ऑल राउंड प्रिपरेशन होने की जरूरत है। अभी 12 अक्टूबर से लेकर 31 तक क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल की भी सीरीज बनेंगी हमारे जॉब अश्योर वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने जॉब अश्योर टीयर टू के लिए ज्वाइन किया है उनके लिए। प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, उनका पीडीएफ सॉल्यूशन देखेंगे, पीडीएफ में भी चीजें अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स देखेंगे। ये सारा कुछ करने के बाद, उसके बाद आपके लिए जॉब अश्योर में 80 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, 40 फॉर इंग्लिश एंड 40 फॉर मैथ्स। इस तरह से हमने मैथ्स इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह अपलोड हो रहे हैं, उसी प्रकार से मैथ्स के भी हमने एडवांस मैथ्स के 100 क्वेश्चंस के सेट अभी चल रहे हैं। तो आपको जो भी लगता है कि मेरी कमी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सारा मैथ्स ठीक है, एडवांस मैथ नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, इंग्लिश में नरेशन नहीं आता। जो नहीं आता अब उसके ऊपर फोकस होगा, क्योंकि जो नहीं आता आपको उसी में आपके अच्छे नंबर दिलाने के लिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करती हूं कि अगर हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो आप जॉब अश्योर ज्वाइन करके आप भी उतना ही एफर्ट लगाएंगे। जॉब अश्योर का जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें आपके फिर 80 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 40 फॉर मैथ्स एंड 40 फॉर इंग्लिश। अब आप देखो कि इतना कुछ करने के बाद जो 40 आगे आपके टेस्ट 40 टेस्ट होंगे, उसमें हर एक पेपर में फिर 27 क्वेश्चन नरेशन के आएंगे, 20 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के आएंगे। तो इतना कुछ करने के बाद आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज ओनली द की। आप इन 5 P's पर ध्यान दीजिए, और पिनाकल जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, उसके साथ साथ आप चलिए, डेफिनेटली आपके स्कोर में 101% इंप्रूवमेंट होगा। और पैरा जंबल की सीरीज अब शुरू होने वाली है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक जॉब अश्योर टायर टू के लिए ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन करें। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अब आपके पास मुश्किल से 1-1.5 महीना ही रह गया है। आप हमारा जॉब अश्योर टायर टू प्रोग्राम ज्वाइन करें ताकि आप इन सभी चीजों का फायदा उठा सकें। या फिर हमारा जो ऑनलाइन कोचिंग बैच है 2016-2017 के लिए, जो कि हमारा सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और उसमें से पिनाकल जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो उसका हिस्सा बन जाता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप देर मत कीजिए, आप जागिए और इमीडिएटली ज्वाइन करें। गेट 100% सक्सेस विच यू डिजर्व। 12th अक्टूबर से 31st अक्टूबर तक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल्स पर, और जो पांचों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए, वो सभी कवर अप किए जाएंगे। एक मैसिव एक्सटेंसिव ऑल राउंड अप्रोच चाहिए ये आपको अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। जो सीरीज हमारी हो चुकी है आप उनको रिवाइज करें, और जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करें ताकि वो अच्छा स्कोर कर सकें। I wish you all the very, very best. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।